आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। चंदू अरे क्या हुआ? अरे भैया का फोन। हेलो जी भैया। अरे का हार्डर मेला पार्टी का? अरे ये बढ़िया बात है भैया, कब? 200 लोगों की पार्टी है। अरे वाह भैया कल, अरे बहुत बढ़िया हो गया भैया, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर है। हाँ हाँ भैया आप चिंता मत कीजिए, हम अभी लिस्ट बना लेते हैं सारे सामान की और जाके सारा सामान मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ भैया हम अभी सबको बोल देते हैं कि सारे काम पे लग जाएं, अब कल पार्टी है इतनी बड़ी, 200 लोगों की पार्टी है तो अभी से ही तैयारी में लगना पड़ेगा ना। जी भैया जी ठीक है भैया। अरे यार अभिमन्यु तुम जरा दो मिनट संभालोगे, हमें अंदर कुछ काम है, जाके जरा सबको बताए दे कि कल यहाँ पार्टी है बहुत बड़ी। हाँ। तो क्या सारा इंतजाम करना पड़ेगा, तुम जरा दो मिनट रुको, हम अभी आते हैं। दबा दिए तो सब डिलीट हो जाएगा, और अगर नहीं किए तो बहुत बुरा फंसेंगे। अरे यार बाद में जो होएगा देखा जाएगा, पहले डिलीट करते हैं, और कौनो रास्ता नहीं ना। पूछने वाला ही होगा ऑर्डर। जी जी सलाम का भनक कैसे नहीं लगी, इस ससुरा कृष्णा हर कोने कोने में कैमरा फिट करवाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्सल करवाए के अभी बनवाए देते हैं, आप अब बैठिए 5 मिनट इंतजार कीजिए अभी हो जाए। चंदू के पास तो गर्दन हिलाने की फुर्सत नहीं है, हमको नहीं लगता इसने देखा होगा। हाँ और कुछ? कितना टाइम लगेगा चंदू? हाँ अरे क्या हुआ? अरे भैया का फोन। हेलो जी भैया। अरे का हार्डर मेला पार्टी का? अरे ये बढ़िया बात है भैया, कब? 200 लोगों की पार्टी है। अरे वाह भैया कल, अरे बहुत बढ़िया हो गया भैया, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर है। हाँ हाँ अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, हम अभी लिस्ट बना लेते हैं सारे सामान की और जाके सारा सामान मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ
भैया हम अभी सबको बोल देते हैं कि सारे काम पे लग जाएं। अब कल पार्टी है, इतनी बड़ी 200 लोगों की पार्टी है, तो अभी से ही तैयारी में लगना पड़ेगा ना। जी भैया जी, ठीक है भैया। अरे यार अभिमन्यु, तुम जरा 2 मिनट संभालोगे, हमें अंदर कुछ काम है, जाके जरा सबको बताया दे कि कल यहाँ पार्टी है बहुत बड़ी। हाँ, तो का सारा इंतजाम करना पड़ेगा, तुम जरा 2 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। करें, अगर एंटर बटन दबा दिए तो सब डिलीट हो जाएगा, और अगर नहीं किए तो बहुत बुरा फंसेंगे। अरे यार बाद में जो होएगा देखा जाएगा, पहले डिलीट करते हैं, और कौनो रास्ता नहीं ना। बाबू, अरे बाबू ये 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 लो, ये ये जरा चख के देखो। अरे अरे खाओ ना, लो लो लो। कैसी पेस्ट्री? लेकिन किस खुशी में? अरे बाबू खाली पेस्ट्री ना, वो क्या कहते हो का अनानास का यार, पाइनएप्पल पेस्ट्री है बाबू। ये ऐसा पूरा केक बनने वाला है, कल बहुत बड़ी पार्टी हमारे रेस्टोरेंट में। बताओ ना कैसा स्वाद, कैसा? अच्छा है। अरे अच्छा का? अरे मतलब यार कुछ पूछ ही नहीं रहे तुम यार, हम इतने उत्साहित हैं। ए, रुको तुम यार रुको। देखो हम तुमका बताते हैं, हमका ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वो इलाके के जो मिनिस्टर है ना, उनके बेटे का जन्मदिन है, और जन्मदिन की पार्टी रखवाए चाहते हैं हमारे हमारे रेस्टोरेंट में। अरे यार बहुत बड़ी बात है, कम से कम 200 से 250 लोग आए वाले हैं। अब वो मिनिस्टर का है कि हमारे रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ सुना, वो पूरे पार्टी की जिम्मेदारी जो है हमका सौंप दी है। कहो बड़ी बात ना, अच्छी खुशी की बात है कि नहीं है? अरे यार बाबू सोचो, अगर ये कल जो ही पार्टी अच्छे से हो गई तो मतलब यार रेस्टोरेंट तो और मशहूर हो ही जाएगा, क्या कहते हो? अरे देखो मिनिस्टर वेस्टर के ऑर्डर आ रहे हैं अब हमारे रेस्टोरेंट में, क्या? सचमुच कृष्णा बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई यार? अरे बाबू का भवा, तुम का कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या कोई परेशानी है? कृष्णा घर में आजकल ये जो कुछ भी हो रहा है उसी वजह से हम परेशान हैं। का? बाऊजी से लेके शक्ति भैया और अब केसर दीदी भी, इन सब से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि तुम आजकल उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं दे रहे हो, और उनके प्रति तुम्हारा विरोधी रवैया उन्हें खल रहा है, और ऊपर से ये बात भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि तुम अब अपने पैरों पर खड़े और बाऊजी पर निर्भर नहीं हो। लेकिन तुमका ये सब कहा लग रहा है, कब कुछ कहा का तुमसे? शक्ति भैया और केसर दीदी आज यही सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे? कृष्णा शक्ति भैया कह रहे थे कि तुम आजकल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हो और बहुत अकड़ के रहते हो, और ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के दम पर करते हो और क्योंकि तुम अब पैसे कमाने लगे हो। शक्ति भैया ये भी कह रहे थे कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बाऊजी की मेहरबानी शुरू हुआ था और आज भी बाऊजी के दम पर ही चल रहा है, क्योंकि बाऊजी के ठेके के गांव की जमीन पर जो सब्जियां उग रही है वो तुम्हें बहुत सस्ते भाव में मिल रही है। अच्छा वाह, का कहना उनका है? अरे मतलब उनको कहना का चाहते हैं कि मतलब इलाहाबाद के आसपास वही एक जगह जहाँ से हम सब्जी मंगवा सकते हैं, कोई और जगह से नहीं मंगवा सकते? अरे यार साला खुद तो कुछ कर नहीं सकते, साला जो उनका रहा ना तो जलन हो रही है सबका। अब यार जो हमका इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मिनिस्टर के यहाँ से है, वो कौनों के बलबूते पे? वो भी का बाऊजी के बलबूते मिला हमका? अब ना बाऊजी के नाम से नहीं जानते हमका लोग जानते हमका हमारे रेस्टोरेंट के नाम से, और हमारे रेस्टोरेंट जहाँ जाता हूँ उनकी क्वालिटी के नाम से। बात करते हैं यार ये लोग,
इतनी मेहनत से ही मुकाम पे पहुंचा है रेस्टोरेंट का, ये का जानेंगे यार। और समझे ना समझे हमका कुछ लेना देना नहीं, तो तुमका भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ ना जाए दे उन सबका। हम तुमसे कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे, ये सब में उलझाए दी यार। छोड़ो इन सब बातों को, बताओ क्या जरूरी बात करना चाहते थे। अरे यार देखो बाबू, हम तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि भगवान की दया से हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो इतना सारा काम हो गया है, संभालने संभलता हम सोच रहे थे कि एक एक, एक और रेस्टोरेंट खोल ले तो कैसा रहेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कृष्णा, हमारा रेस्टोरेंट वाकई में बहुत फेमस हो गया है, दूर दूर से लोग खाने के लिए हमारे रेस्टोरेंट में आते, तो अगर हम एक और रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो उसे भी अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। वही तो हम कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। और बाबू सबसे अच्छी बात तो ये है कि वक्त अभिमन्यु भी हमारे साथ है, अरे वो सब काम संभाल लेता। अब देखो हम का सोचे कि अभी ये नया रेस्टोरेंट खोल लेंगे ना, तो ये जो है ये अभिमन्यु को सौंप देंगे, वो संभालेगा, हम नया सेट कर देंगे। कृष्णा इतना जल्दी अभिमन्यु पर भरोसा करके उसे ये सब कुछ सौंपना, पहले उसे विश्वास जमाने दो, उसके बाद उसे ये सारी जिम्मेदारी दे। अब हम कौन सा होके नाम कर रहे रेस्टोरेंट है, हम जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के अच्छे से बिल्कुल ध्यान से फैसला लेंगे। और वैसे भी यार बाबू देखो, बिजनेस बढ़ाना है और नया रेस्टोरेंट खोलना है तो कोनो ना कोनो को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? हाँ, लेकिन हर पहलू को ध्यान से समझदारी से देखना होगा। अरे हाँ बाबू, तुम चिंता नहीं करो, सब समझदारी से ही करेंगे। और तुम ना ये शक्तिबाई भौजे के बारे में ज्यादा नहीं सोचो, अरे उनका काम है जलना, वो जलते हैं और जलते रहेंगे, और कुछ कर नहीं सकते ना। अभी तो देखो कल के बाद देखो तुम, अभी तो और जलेंगे भुन जाएंगे। अरे काहे की यार, मजाक थोड़ी है, तो इतना बड़ा ऑर्डर है मिनिस्टर के यहाँ से, है कि नहीं? ए अभिमन्यु। हाँ। अबे यार वो स्टोर रूम में जाए के यार आलू निकाल दो ना, अबे बच्चन की बर्थडे पार्टी यार, तो उनका आलू के स्नैक बहुत पसंद होते हैं, समझो जल्दी कर दो, टाइम बहुत कम है। परेशान काहे हो रहे हो, हम कर दिए हैं यार, आलू पहले निकलवा दिए हैं। हां वही कहा, और रसोईये को भी बोल दिए हैं कि बच्चों की पसंद की आलू टिक्की और आलू समोसे बनवाए। ऐसा बस बोल देना। हां ऐसा बस है। ए चंदो, आज तुम सुनो, केक का क्या पोजीशन है पता क्यों? अरे हां भैया, वो बेकरी वाले को बोले थे हम, वो कहा कि इतनी जल्दी जो है वो 10 किलो का केक नहीं बना पाएगा। जैसे तैसे करके भैया उसको बोला, अब 8 किलो का केक बनाए रहा, वो कह रहा था कि टाइम से डिलीवरी करवाई देगा। अबे का पागल हो गयो का है? अबे 8 किलो का है, उनका कहना था कि 10 किलो से कम नहीं चलेगा यार। अबे इतने सारे मेहमान आएंगे साला, 8 किलो कम पड़ जाएगा, दांत कटवाओगे हमरे? अब कृष्णा देखो सुनो, तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। देखो कृष्णा, 8 किलो का केक भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा इतने कम समय में हमने उसे 8 किलो का केक बनाने के लिए कहा है, जो कि मुश्किल है, फिर भी उसने हमें वादा किया है कि वो समय पर लाकर दे देगा, यही बहुत बड़ी बात है ना। और देखो हर कोई अपना काम अच्छे से करने में लगा हुआ है, जो समय पर हो जाएगा। देखो सजावट भी लगभग कंप्लीट है और खाना भी तैयार है, इसलिए तुम आराम से बैठो, चिंता मत करो। अरे बाबू यार हम आराम से ही हैं, हम बस अहली सब कर रहे हैं, कहे कि पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हैं? देखो जैसे समझ लो पार्टी अच्छे से हो गई ना, तो जैसा बड़ा ऑर्डर हमको आज मिला है वैसे हमको और मिलता रहेगा, फिर देखो हमारा बिजनेस कहाँ पहुँच जाता है, अरे कोनो छू भी नहीं पाएगा हमारे रेस्टोरेंट को। सही कह रहे हो कृष्णा, इस पार्टी के बाद कोई भी तुम्हारे रेस्टोरेंट को ना छू पाएगा, और मिनिस्टर तो पगला जाएगा पार्टी को देख के, तब बड़ी इंतजाम किए हम लोग। अरे यार अभिमन्यु भाई, ऐसा ही पार्टी अच्छे से उतर गई ना, हैं, ये रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोलेंगे और दोनों दोनों भाई मिलके चलाएंगे, सही है? सही बात। चलो चलो यार, चलो देखो सारा जल्दी से काम करो यार, टाइम बहुत कम रहेगा, हैं, आ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।